नमस्कार, आप देख रहे हैं केवाईएन पोस्ट। फेसबुक एक बार फिर से मुश्किलों में घिरा नजर आ रहा है। इस बार फेसबुक की फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर आरोप लगा है कि इस ऐप के जरिए यूजर्स पर नजर रखी जा रही है। जब यूजर्स ऐप पर एक्टिव नहीं है तब भी उनका फोन कैमरा एक्सेस होता दिखाई दिया है। नॉर्थ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट में गुरुवार को एक कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें इंस्टाग्राम यूजर ब्रिटनी कॉन्डिटी ने कहा कि ऐप के कैमरा का यूज करके सभी यूजर्स का जरूरी और वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट किया जाता है और यूजर की कंप्लेंट के अनुसार उनके घर का पर्सनल और प्राइवेट डेटा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि फेसबुक ने इस पर अब तक कोई कमेंट नहीं किया है और तमाम खबरों को नकारते हुए कहा है कि यह सब एक बग की वजह से हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब फेसबुक पर ऐसा आरोप लगा है। इससे पहले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में वोटर्स का डेटा चोरी करने का आरोप लगा था। इसी साल हुए यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में 8.5 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी करने की बात फेसबुक ने खुद स्वीकार की थी और उस पर 4.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा था। हाल ही में फेसबुक पर पेगासस स्पाइवेयर खरीदने का आरोप लगा था और अगस्त में इंस्टाग्राम यूजर्स का बायोमेट्रिक डेटा चुराने के आरोप भी लग चुके हैं। केवाईएन पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।